आपने इन भोजपुरी सितारों को कई भोजपुरी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करते हुए देखा होगा। आपको बता दूं कि ये सुपरस्टार सिर्फ अभिनय नहीं, इसके अलावे और भी कई काम करते हैं, जैसे गायकी, डांसिंग, स्टेज शो। उम्मीद करता हूं कि इन्होंने इन सभी कार्यों के जरिए आपका दिल लूटा होगा। तो आपको बता दूं कि इन कामों में इन्हें कमाई भी होती है। आज आपको हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कौन से सुपरस्टार कौन से क्षेत्र में कितना पैसा कमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। आपको बता दूं कि पवन सिंह एक फिल्म के लिए लगभग 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का चार्ज करते हैं और इसके अलावे पवन सिंह कई स्टेज शो भी करते हैं। तो कुल मिला के उनकी साल भर की जो कमाई होती है वो 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। अगले सुपरस्टार जो हमारे हैं वो है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के बारे में बता दूं, खेसारी लाल यादव भी एक फिल्म के लिए लगभग 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और साल में लगभग 3 से 4 फिल्में साइन करते हैं। इसके अलावे खेसारी लाल यादव कई स्टेज शो भी करते हैं जिसके भी लगभग 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं। तो कुल मिला के अगर खेसारी लाल की साल भर की कमाई हम जोड़ते हैं तो लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास होती है। अगले जो सुपरस्टार है वह है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। निरहुआ एक फिल्म के लिए लगभग 30 लाख से लेके 70 लाख तक लेते हैं। इसके अलावे निरहुआ स्टेज शो भी करते हैं 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में। इसके अलावे निरहुआ साल भर में लगभग 2 या 3 फिल्मों में काम करते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि निरहुआ का खुद का कंपनी है निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फिल्म का प्रोडक्शन भी करती है, तो वहां से भी निरहुआ की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगर निरहुआ के साल भर की कमाई की बात करें तो वो लगभग साल भर में कमा लेते हैं 10 करोड़ के आसपास। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।